इकट्ठे होंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते तो कोई तकलीफ भी नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। जितने भी पाली जिले के जो गुंडागर्दी करने वाले इस वर्ग के जो लड़के हैं उनको इकट्ठा करेंगे, पहला काम तो ये करने वाले हैं। वो क्यों करेंगे कि जब भी कोई छोटा मोटा झगड़ा हो, साइकिल चल रही है और आपने किसी मुसलमान को टक्कर लगा दी, तो वो मुसलमान आपसे लड़ेगा और यही से 50-100 लड़के आपके सामने आएंगे। उनका काम सिर्फ पाली की व्यवस्था, शांति व्यवस्था को बिगाड़ना है, पढ़ाने का कोई काम नहीं है। उनको एक जगह बैठाने का स्थान चाहिए, वो स्थान के रूप में एक हॉस्टल, जो पवित्र हमारी जगह है, जो हमारा एक विद्या का मंदिर है, वहाँ इस प्रकार की योजना बनाकर पाली शहर को शांति भंग करने के लिए ऐसे गुंडों को यहाँ पर जो इकट्ठे होंगे लड़के, वो हमारे पाली शहर को बिगाड़ेंगे। और तो और देश में जनसंख्या कम हो, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो, इसके लिए हिंदू समाज में से लड़की को उठाकर आगे उसको भेजना। और आज भी कई सारी औरतें जो 5-10 साल पहले चली गई, वो सब के सब बटल माज रही है दुबई के अंदर, आप पता कर लेना। तो दूसरा काम जो लव जिहाद जो चल रहा है वो यहाँ से शुरू होगा। वो घूमेंगे फिरेंगे हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, माताएं बहनें भी आती है, कहाँ जाएगी घूमने के लिए, थोड़ी बहुत जगह बची है उसमें भी हम हॉस्टल बनाना चाहते हो, और हॉस्टल में पाली जिले के सारे बदमाशों को इकट्ठा करने चाहते हो, क्या ये हम होने देंगे? हम ऐसा होने देंगे? तो प्रशासन से फिर कह रहे हैं, अभी तो बात आपके हाथ में है, हमने पाली बंद कराने का आह्वान नहीं किया है, आने वाले समय में पाली भी बंद करनी पड़ सकती है।